वन पार्टिकल इज इन द सेंटर ऑफ द क्यूब. वी ऑल्सो गेट क्यूबिक स्ट्रक्चर in which particle at a corner right there are six faces in a cube. Har face ke center pe ek ek particle upar niche राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पीछे आगे पीछे आगे. व्हाट हैपन क्यों चिल्ला रहा है? अरे माय गॉड, अरे माय गॉड, यू नो रहा, जाने दे, मैं चंबा निकालता हूं. अरे वाह, बाबा बच्चे हाथ फेरेंगे. अरे व्हाट हैपेंड, काय को इतना जल्द चढ़ती है? चप्पल पे स्प्रे ला, स्प्रे ला. हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अ लिजर्ड एंटर्ड माय हाउस. हेलो स्टूडेंट्स. यस, अ लिजर्ड एंटर्ड टू माय वाइफ, चिल्लाने लगा. चलो ओके, चलो क्या हो गया अभी? ओके, ये सामने ये पीछे, ठीक है. तो क्यूबिक के तीन टाइप के, दिस इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक, दिस इज कॉल्ड
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. This is simple cubic SC. This is BCC. This is FCC. Okay. उसके बाद कौन है भाई साहब? Which is the next one? Which is the next one? Which is near next crystal system? Tetragonal. Tetragonal. Tetragonal में क्या है भाई साहब? A is equal to B, not equal to C, alpha is equal to beta, is equal to gamma, is equal to 90. इसमें भी कितने टाइप के मालूम? टेट्रागोनल में दो टाइप के, सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर, सिंपल टेट्रागोनल एंड बॉडी सेंटर टेट्रागोनल. तो A इज इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू सी. तो कैसा बनाने का? A is equal to B, not equal to C. एक रेक्टेंगल बनाने का. और एग्जैक्टली सेंटर में लेने का दूसरा रेक्टेंगल. एंड इसमें पार्टिकल किधर रहेगा? कॉर्नर में. Particle will be at the corner. Okay. मैं बैग में एंड वन बॉडी इन द वन पार्टिकल इन द सेंटर. दिस इज सिंपल टेट्रागोनल. And this is body center tetragonal. अब मैं सबका डायग्राम नहीं बनाऊंगा, खाली नाम लिखते जाऊंगा, because it is just a repetition. तीसरा क्या बेटा? तीसरा कौन सा है? Orthorhombic. 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 What is this in it? A is not equal to B, not equal to C. Alpha is equal to beta, is equal to gamma, is equal to 90. तो इसमें क्या है मालूम? तीन चार टाइप के. सिंपल orthorhombic. इसमें सिर्फ कॉर्नर में पार्टिकल्स होंगे. दूसरा है बॉडी सेंटर ऑर्थोरम्बिक, उसमें कॉर्नर में भी होगा और एक बॉडी के अंदर होगा. दूसरा फेस सेंटर ऑर्थोरम्बिक,
चौथा है एंड सेंटर और बेस सेंटर ऑटोरॉम्बिक, बेस सेंटर ऑटोरॉम्बिक। मैं खाली बेस सेंटर वाला ड्रॉ करता बिकॉज यू नो व्हाट इज सिंपल एंड यस सर बेस सेंटर आई एम ड्रॉइंग ओनली द बेस सेंटर। तीनों इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल बनाने का ऑटोरॉम्बिक कैसा बनाने के बताता और ऊपर रेक्टेंगल लेने का। आप देखो तीनों साइड अनइक्वल है लेकिन तीनों एंगल 90। इसमें पार्टिकल किधर रहेगा कॉर्नर में। आई एम ड्रॉइंग बेस सेंटर वाला चौथा वाला ये हो गया। क्या हो गया सिंपल बेस सेंटर एक ऊपर और एक नीचे ये हो गया बेस सेंटर ऑटोरॉम्बिक। फेस सेंटर में सब सबके फेस पर बीच में बॉडी सेंटर यानी बॉडी के अंदर और पहला सिंपल रॉम्बिक। नेक्स्ट थर्ड हो गया ऑटोरॉम्बिक। अभी फोर्थ फोर्थ क्या बाबा मोनोक्लिनिक क्या है ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 गामा इज नॉट इक्वल टू 90 और मोनोक्लिनिक में दो है सिंपल एंड बेस सेंटर्ड। सिंपल मोनोक्लिनिक एंड दूसरा है बेस सेंटर। पांचवा ट्राइक्लिनिक ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। इसमें ट्राइक्लिनिक सिर्फ एक टाइप का है सिंपल। सिक्स वाला हेक्सागोनल ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 एंड गामा इज इक्वल टू 120। इसमें भी एक ही है सिंपल। एंड सातवां रोम्बोहेड्रल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90। तीनों साइड इक्वल तीनों एंगल इक्वल बट ऑल एंगल्स आर नॉट 90। ये भी एक सिंपल है। तो जरा देखो टोटल कितने टाइप के हैं। देखो ये तीन Seven. पहले वाले में तीन दूसरे वाले में दो पांच हो गए। पांच और चार नौ नौ और दो 11 12 13 14 देयर आर 14 टाइप्स। सो दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेवियस लेटाइस। सो देयर आर 7 type of crystal system, 7 type of crystal system and there are 14 types of arrangement of particles and that is called as Bravais lattice. That is called as a Bravais. So 14 types of arrangement of particle and that is called Bravais lattice and 7 type of crystal system.
we are not going to study all. Hexagonal में. हाँ बोलो बेटा. Sir, hexagonal में alpha is equal to beta is equal to 6. No, alpha is equal to beta, not equal to c. दो equal है. Third वाला नहीं equal. Sir, 90 नहीं रहेगा ना वो? ये 90 होगा angle. सर लेकिन थर्ड एंगल 120 है तो 90 कैसे होएगा? बताऊं मैं करके? हाँ सर बता दो ना एक बार. You see how I am drawing? That only you see the way I am drawing it. Hexagon बनाया. अब मुझे दूसरा hexagon नीचे बनाने का. तो मैं पहले लाइन खींच रहा हूं. आई एम ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइन. इसको मैं इसका भी लाइन बनाऊंगा लेकिन और नीचे लूंगा. इसका भी बनाऊंगा लेकिन थोड़ा सा ऊपर लूंगा. This is A, this is B, and this is C. A and B are equal. Hexagon का सर हर साइड इक्वल रहता है कि नहीं? Okay. B और ये C है, right? C और A के बीच में एंगल कितना है? C और A के बीच में एंगल कितना है? 90. स्ट्रेट लाइन है ना? B और C के बीच में एंगल कितना है? 90. लेकिन A और B के बीच में एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? This is A, this is B. A और B के बीच में एंगल कितना है? 120. Obtuse angle है हाँ. Obtuse it is 120. हाँ सर. Okay. अगर hexagon खाली hexagon बना तो only you draw hexagon. हेक्सागोन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं. यू नो दैट देयर आर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल यस सर 60 है और ये भी 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 120 का होगा. हां सर ठीक है. सो हेक्सागोन वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ऑल ऑफ देम. वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली दिस. ये पूरा पढ़ने वाला पूरा टेक्स्ट बुक में इसके सिवा और कुछ नहीं पढ़ने वाला. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड डिटेल में जाने वाला. क्यूबिक सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक फेस सेंटर क्यूबिक एससी बीसीसी एफसीसी इसका एकदम डिटेल में जाएंगे. अब ये एक यूनिट सेल है तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में बहुत सारा यूनिट सेल होगा. सर हाँ बोल. ऑर्थोरोम्बिक का बताओ ना मतलब स्क्रीन. ऑर्थोरोम्बिक हाँ स्क्रीन बता मतलब स्क्रीन डायग्राम. यस सर. थैंक यू. ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ऑल द थ्री. चलिए अभी इसका डिटेल कैसा देखेंगे. सिंपल क्यूबिक कैसा रहता है मैं जरा फोटो निकालता हूँ गूगल से. सिंपल क्यूबिक इन्हें एकदम थ्री डायमेंशनल फोटो निकाल रहा. एक्चुअली मेरा नोट्स में था वो किधर गया नोट्स मालूम नहीं. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इमेजेस
वेरी गुड, मिला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फिगर मिला। कॉपी इमेज, पेस्ट, can you see now boys, can you see the student simple unit ka diagram? Yes sir. Yes sir. देखो एक एक यूनिट सेल है, ऐसे नंबर ऑफ यूनिट सेल ज्वाइन किए बहुत सारे, तो एकदम कितना यूनिट सेल है इसमें बताओ, कितने यूनिट सेल है बताओ इसमें? 8 यूनिट सेल्स आ गए, हमने यूनिट सेल 8। Okay. Now, एक यूनिट सेल में आठ पार्टिकल है, right? There are 8 particles. I told you beginning I'll be little slow in this because topic को समझने के लिए diagram बार बार बनाना पड़ेगा. Okay. Now, can you tell me how many particles are there present in one unit cell of simple cubic? 8. Kitna? 4. Simple cubic. How many particles are there in one unit cell of a simple cubic? कोई चार बोल रहा है, कोई आठ बोल रहा है, कैन यू टेल मी? क्यों नहीं कम हो रहा हमने पार्टिकल्स आ गए इन वन यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल क्यूबिक? 8 नो, अब मैं बताता हूं, आई विल शो यू हमने पार्टिकल्स आ गए। तुम लोग का काम हो गया, अब मेरा काम चालू हो गया। तुम लोग ने सब ने रॉन्ग आंसर दिया, मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूं, यूनिट सेल ओके। नाउ यू टेल मी दिस पार्टिकल विच आई एम ड्रॉइंग, ये वाला, उसको जरा अलग कलर देता हूं, ग्रीन बना दिया। दिस पार्टिकल इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी पार्टिकल, हाउ मेनी यूनिट सेल? 8। ये जो ग्रीन वाला किसी एक यूनिट सेल का नहीं है, वो 8 यूनिट सेल का है। दैट मींस दैट ईच पार्टिकल इज डिवाइडेड अमंग 8 अदर यूनिट सेल, नॉट ओनली द ग्रीन वन, ऑल आर ग्रीन, सर्वे हिरवे आहेत, ऑल ग्रीन पार्टिकल्स, all these particles, इसमें क्या आता है मालूम है? All these green particles are shared by 8 other unit cell.
तो एक पार्ट एक पार्टिकल किसी एक का नहीं है, आठ जन का है। अगर एक चॉकलेट को आठ जन में डिवाइड, एक केक को आठ जन में डिवाइड करने का, तो एक को कितना पार्ट मिलेगा? कि वन केक इज डिवाइडेड अमाउंग एट स्टूडेंट्स, तो ये हर एक को कितना पार्ट मिलेगा? एक बड़ा केक है राउंड वाला, उसको एट बच्चों में डिवाइड करना है, सो विल मेक हाउ मेनी पार्ट? एट पार्ट और नॉट? सो दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज अ वन एट ऑफ फुल, वन एट ऑफ फुल। ओके, सो हर एक पार्टिकल द शेयर ऑफ ईच पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक पर यूनिट सेल इज वन बाय एट। एक दिखता है लेकिन वो उसका हिस्सा सिर्फ वन बाय एट ही है। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक इज इक्वल टू एट मल्टीप्लाई बाय वन बाय एट, दैट इज वन। तो इन वन यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक देयर इज ओनली वन पार्टिकल। जो दिखता है वो होता नहीं है, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो दिखता है वो होता नहीं है। हर एक पार्टिकल एक है, दिखता आठ पार्टिकल पर यूनिट सेल, लेकिन हर एक पार्टिकल इज शेयर्ड बाय एट अदर यूनिट सेल। सो व्हाट इज द शेयर ऑफ एक यूनिट सेल का हिस्सा कितना है? वन बाय एट। कितने पार्टिकल है? एट, एट इंटू वन बाय एट वन। सो नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन यूनिट सेल इज जस्ट वन। समझ में आया? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल क्यूबिक इज जस्ट वन। और वो कैसा दिखता है, दैट आई शैल शो यू। How the particles are there? Just see. बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा होगा। See this, how the particles are there. Okay, ये आठ पार्टिकल दिखते ना कॉर्नर में, हर कॉर्नर में आठ पार्टिकल दिखते, they are actually touching each other, they are touching each other and there is some empty space and that space is called as a void space. That's called as a void space. So, void space. Void का मतलब empty space is equal to in simple cubic in simple cubic the void space is
47.64. Percent and occupied space is 52.36. This is occupied by whom? By particles. Okay, so we are ye jo main value diya na, we are going to calculate that value. Abhi to main khali points de raha hu. We are going to calculate that. Okay. Next is coordination number. Coordination number. What is coordination number? Coordination number, main bolta hun. Number of particles surrounding a single particle. Number of particles surrounding a single particle. वो एक यूनिट सेल से मालूम नहीं पड़ता, वो बड़ा क्रिस्टल लेंगे तो मालूम पड़ता. Now you tell me, my dear students, what is the coordination number in simple cubic? You cannot make out. What is the coordination number in simple cubic? Okay, tell me, how many particles are surrounding this particle? It purple banaya na? How many particles are surrounding this particle? That means direct contact mein. Eight. Kaun sa batao jara? Eight nahi hai. Itna bol. Sir, kaun sa wala bol rahe ho? Pink wala, pinky. Ye jo beech mein banaya na? उसको कितने पार्टिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में है? कितना है? ये पिंक वाला बनाया ना, उसको कितने पार्टिकल? सिक्स. रूट सिक्स. बताओ कौन सा है? देखो, एक, दोन, तीन, चार, पांच, these six particles are actually touching that pink sphere. That means in simple cubic, each particle is surrounded by six other particles. Har ek particle six other particles se surround kiya hai. Wo abhi dikhta nahi humko, lekin idhar main bataya hu ki simple cubic, one particle is surrounded by six other particles. Therefore, coordination number in simple cubic is 6. How much? 6. ये सब प्रूफ करने वाले, अभी तो पॉइंट्स दे रहा हूं. तो सिंपल क्यूबिक में एम्प्टी स्पेस 47.64, ऑक्यूपाइड स्पेस 52.36, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, and number of particle per unit cell in simple cubic is how much? 1. Kya hoga, kyun yaad aaya? Okay, so number of particle in simple cubic per unit cell is 1, coordination number is 6, and void space and occupied space is there. Don't bother, we'll be doing in detail usko calculation. Abhi khali point de raha hu. Ye tumhara textbook mein kidhar hai malum? Ye jo main bata raha hu,
इट इज ऑन पेज नंबर, पेज नंबर 6. ओके नाउ अब मैं कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू डू फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बीसीसी. इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर लेट मी टेक द बीसीसी वाला फिगर लेना पड़ेगा. बीसीसी बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर मिला, आ गया. नहीं, गलत आ गया. ठीक है. Now, body centered cubic structure. Okay. देखो, this is one unit. How many unit cells are there? इसमें कितने unit cell है बताओ? एट आ गया. विच इज दोस पार्टिकल जस्ट सी, वन टू. हम एक ही यूनिट सेल का मैं बना रहा हूं, जरा डार्क नहीं दिख रहा है. कौन सा कलर लू? येलो. येलो लेता हूं. वन टू थ्री फोर Five, six, seven, eight, and one in the center. One in the center, which is that? This is. Okay. How many particles are there in one unit cell? How many particles? One. No. Number of particles. 15. 15. कैसा रे बाबा? Eight. In one unit cell of BCC. देखो, corner वाले हैं. कितने corner वाले हैं? Eight. So eight. और जो corner वाले, उनका share कितना होता है? 1/8. जो कॉर्नर में रहते हैं उनका शेयर 1/8 होता है. देयर आर 8 कॉर्नर और हर एक का शेयर 1/8 होता है, बिकॉज हर कॉर्नर वाला 8 यूनिट सेल से शेयर होता है. एवरी पार्टिकल एट अ कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 अदर यूनिट सेल, प्लस एक पार्टिकल बीच में ही है,
बॉडी का अंदर है वो किसके साथ शेयर नहीं होता है, तो वो उसका ही है, तो 1+1 दैट इज इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन यूनिट सेल ऑफ बीसीसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय शेयर प्लस 1 व्हिच इज इन द सेंटर, दिस इज सेंटर वाला एंड दिस इज कॉर्नर वाला। एंड कॉर्नर वाले का शेयर होता है 1/8, 8 × 1/8 + 1 दैट इज 2। ओके चलो, सो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस हाउ मेनी पार्टिकल्स आर सराउंडिंग अ सिंगल पार्टिकल, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर सराउंडिंग अ सिंगल पार्टिकल। कुछ बोल नहीं सकते, 8 हमनी पार्टिकल सराउंडिंग अ सिंगल पार्टिकल 8 बोलेंगे सर कैसे कैसे, आई विल शो यू, तुम सेलेक्ट करो कौन सा भी एक पार्टिकल सेलेक्ट करो, मैं ये सेलेक्ट करता हूं ये लाल वाला पार्टिकल, उसको कितने पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं बताओ, वो लाल को कितने पार्टिकल सराउंड कर रहे, शुड आई शो यू, आई विल मेक देम सम अदर कलर, शुड आई शो यू, मैं ब्लू कलर से बनाता हूं, 1 थोड़ा विजुलाइज करना पड़ता है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्टिकल, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। देन व्हाइट स्पेस कितना जगह खाली है, ऑक्यूपाइड स्पेस दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू प्रूव, डोंट बॉदर, मैं बोल रहा हूं एक्सेप्ट मत करो, वी आर गोइंग टू प्रूव इट, कैलकुलेट करके बताएंगे। दिस आर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब हम जाएंगे किसका, एफ सी सी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कुछ डायग्राम घो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मिला,
देखो, कैन यू सी, ये सिंपल तरीके से लिखा है, 8 पार्टिकल है कॉर्नर के और 6 पार्टिकल फेस के ऊपर है, 8 पार्टिकल कॉर्नर के और 6 पार्टिकल सेंटर पर, ओके। इधर भी बताया, देखो ये 8 पार्टिकल कॉर्नर के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 पीछे छुपा हुआ है, देखो 8। और फेस वाले 1, 2, 3, 4, 5 वो बाजू और 6 नीचे, 6 फेसेस। अब ये देखो कॉर्नर वाला, इट इज जस्ट 1/8, दिस इज कॉर्नर वाला 1/8 कट के बताया, यानी एक बड़ा पार्टिकल था, इट इज डिवाइडेड अमाउंग 8 यूनिट सेल, सो 1/8। और जो सेंटर बॉडी के सेंटर वाला है, इट इज जस्ट हाफ, बॉडी के सेंटर वाला है, इट इज जस्ट हाफ, आधा एक को मिला, आधा दूसरे को, दूसरा यूनिट सेल को मिला। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी इज इक्वल टू 8 कॉर्नर के इनटू शेयर 1/8 प्लस 6 फेस पर है और फेस वाले का शेयर कितना मालूम 1/2। जो फेस पर है, इट इज शेयर बिटवीन 2 यूनिट सेल, द पार्टिकल विच आर ऑन द फेस, दे आर शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल, सो शेयर इज हाफ, सो दैट कम्स टू 1 + 3, दैट इज 4। सो देर आर 4 पार्टिकल पर यूनिट सेल इन एफसीसी। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी is 12। अभी शो नहीं कर सकता, वी आर गोइंग टू शो इट आगे जाके, ये पूरा शो करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्यों है। देन वाइट स्पेस, वाइट स्पेस 26%, ऑक्यूपाइड स्पेस 74%, white space 26%, occupied space 74%. So this is the 3 structures ka detail diya, and that is what I have explained you today. If I summarize number of particles per unit cell, coordination number, and percentage packing, that means occupied space, for simple cubic 1, coordination number 6, occupied space 53.64, FCC number of particle 2, coordination number 8, and occupied space 68%. ये बीसीसी एंड एफसीसी 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एंड दिस इज 74%। ओके, दैट वाज, ओके।
coordination number, packing, occupied space. This is okay. These are the thing which we have done today. Okay. Now, next we are going to see relation between molar mass and density. Molar mass and density. Molar mass density and the unit cell edge. Molar mass density of unit cell and edge length of unit cell. Okay. Edge length of unit cell. Mass of one particle. So we are going to see relation between molar mass, M, density, rho, and edge length, A. Okay. Let edge length of unit cell BA. Let mass of one particle be M, small m. Let number of particles per unit cell in a unit cell may be m. Be what? M. So, what will be the mass of unit cell? Can you tell me mass of unit cell? Ek unit cell mein n particles hai aur ek particle ka mass m hai. So, what is the mass of unit cell? Ek particle ka mass small m hai aur 8 particle hai. 8n particles. What is mass of one unit cell? Yes, anyone? Ek unit cell mein 8 particle, n particle hai, aur ek particle ka mass m hai. So, kitna mass of one unit cell will be how much? M into n. M into n. मास ऑफ यूनिट सेल समझो एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल है और एक का मास 2.5 ग्राम है तो व्हाट इज द मास ऑफ वन यूनिट सेल 4 into 2.1 ओके
व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल इज अ क्यूब, सो वॉल्यूम विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो ए इनटू ए इनटू ए दैट इज इक्वल टू ए क्यूब. So density of unit cell is equal to mass of unit cell upon volume of unit cell. What is the density? Rho. What is the mass? M into N. Upon volume, A cube. Okay. Now, molar mass. Molar mass means molecular weight. Is equal to mass of one particle into number of particles in one mole of substance. मोलर मास का फॉर्मूला है कैपिटल एम, व्हाट इज मास ऑफ वन पार्टिकल स्मॉल एम, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल इज इक्वल टू व्हाट एवोगैड्रोज नंबर. नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल इज इक्वल टू हाउ मच, 6.022 इनटू 10^23, एंड दैट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोज नंबर. So M is equal to capital M upon NA. Okay. Equation 1, equation 2. From 1 and 2, what you get? Rho is equal to एम की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल एम इंटू एन अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब. ओके, एन ए इज इक्वल टू ए क्यूब. सो डेंसिटी ऑफ अ सेल, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल is equal to molar mass of particle into number of particles per unit cell upon Avogadro's number into volume of unit cell. So this is the density. Okay. So that was the density of the unit cell. और इसी के ऊपर हमको पर समझाएंगे. नाउ नंबर ऑफ मोल, हर एक पार्टिकल का मोलर मास अलग रहेगा, हर एक पार्टिकल का नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल अलग रहेगा. एससी के लिए सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होगा, बीसीसी के लिए 2 होगा और एफसीसी के लिए 4 होगा.
नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, एवोगाड्रो नंबर फिक्स होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सबका सेम होगा, ए इंटू ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब, लेकिन हर एक यूनिट सेल का लेंथ अलग होता है, ए का वैल्यू अलग होता है, सो ऑल विल हैव डिफरेंट यूनिट सेल. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव स्टडीड. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ we are going to see these things we are going to prove. Kaun sa wala? We are going to prove this thing. That percentage packing in simple cubic is 53.64, 68 and 74. These things we are going to show proof today. Not today possible. So I am leaving you today. Now we'll continue next time and we are going to calculate and show that the percentage packing in three of them, ek 53 hai, ek 68 and 74, that will be for the next lecture. Okay, good night. Yes sir. Bye sir. Thank you. Bye sir. Thank you. नहीं आता भाई.